लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रखंड अध्यक्ष प्रभु पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर सदन में कई आपत्तिजनक बात कहे जाने पर आरोप लगाया कि दलित का अपमान किया गया जो अत्यधिक निंदनीय है। प्रभु पासवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में जो भी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही उससे दलित महादलित का अपमान हुआ है। कॉन्फ्रेंस के दरमियान तारकेश्वर राम, पूर्व मुखिया बकटपुर भोला पासवान तथा अन्य पार्टी के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आप लोगों ने प्रेस वार्ता जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को मेरा लोक जनशक्ति पार्टी काटी प्रखंड की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। ये छठ और दिवाली के शुभ अवसर पर आपके बधाई, आपके चैनल के सभी श्रोता को बधाई। और विशेष रूप से मैं लोक जनशक्ति पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते आज आहत होकर के आपको ये प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता पड़ गई है। देखिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दलित महादलित जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और कुछ लोग कहा करते हैं कि सेकेंड अम्बेडकर के जैसे कि जीतन राम मांझी को करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, वैसे आदमी बुजुर्ग लोग जो नीतीश कुमार उस समय सदन के सदस्य भी नहीं थे, उस समय से उस सदस्य हैं। इनकी आयु 74 साल है, इनकी आयु 80 साल है। और उस आदमी को रे तुम तम रे बैठो तुम क्या जानते हो, जैसे कि सब कुछ नीतीश से दुनिया नीतीश कुमार जानता है, नीतीश कुमार से अधिक कोई बिहार में जानने ही वाला नहीं है। और आहत होकर के हम लोग जनशक्ति पार्टी और विशेषकर दलित महादलित के जिसे वो मैंने अपने अभिमान के तरह पैर से कुचलने का काम किया है, इसलिए घोर निंदा करता हूँ नीतीश कुमार को। ऐसे मुख्यमंत्री को हम पूरे बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति को मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे कुकर्मी सरकार को तुरंत कोई भी सदन में सदस्य होने लायक नहीं है। और भारत सरकार और बिहार सरकार के राज्यपाल से मैं मांग करता हूँ कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए। जैसे नीतीश कुमार, जैसे आप लोगों का आरोप है कि नीतीश कुमार जी जो सदन में जीतन राम मांझी को जो ये बात किए हैं उन पर आप जनता और उन सरकार तक क्या कहना चाहते हैं? सर, जनता को तो देखिए रहे हैं, कभी कुछ बोल देना, कभी महिलाओं को लेकर के कुछ बोल देना, कभी दलित महादलित के जैसे कीजिए अपने अपने होश हवास खो करके उसको रे तुम तम करना और जैसे कि ये अपने अहम के दिखाना जो हमसे बड़ा बिहार में कोई है ये नहीं है, हमसे बड़ा राजनीतिक बाज है ये नहीं है, जबकि 18 साल से ये आदमी कुकर्मी आदमी कोई सदन में जनता के बीच से नहीं गया, पिछली गली से गया है। और ये और गलती सलती बोल भी देता है और ये सभापति पर आगे कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए गलती हो गया है। ऐसे कुकर्मी को एक मिनट मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं। ठीक है, परिचय दीजिए। प्रभु पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी का जी। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद शुभ दीपावली एवं छठ के पावन अवसर पर मैं कांटी प्रखंड जिला एवं बिहार के समस्त जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे ओर से। और मैं विशेष कहना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही आपत्तिजनक है। इसे जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम है। हम बिहार के दलित महादलित इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं राष्ट्रीय महादलित आयोग एवं राज्यपाल से मांग करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस घटना की संज्ञान स्वयं ले। और मैं बिहार के जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ, खास करके महादलित और दलित को, कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को विधानसभा के अंदर
अपमानित किया गया है, इसका बदला हम लोग लोकसभा और विधानसभा में लेने का लेने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, परिचय दीजिए अपना। तारकेश्वर राम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकजन शक्ति पार्टी, रामविलास प्रखंड इकाई कांटी।